हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब। मैं हूं आशिक राज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं और एसक्यूएल में कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं उसी सीरीज़ में। अभी ये एक और पॉइंट आया है जिसको मैं आज बताने वाला हूँ। वो कौन सा पॉइंट है? हाउ टू रन मल्टीपल डिलीट स्टेटमेंट एट वन टाइम। एक से ज़्यादा डिलीट स्टेटमेंट को एक बार में कैसे रन कराएंगे और बहुत सारे डेटा को कैसे डिलीट करेंगे एक साथ, और बहुत सारे डिलीट स्टेटमेंट को एक साथ कैसे हम लोग रन कराएंगे, वो हम लोग इसमें जानेंगे इस सेशन में। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड, पहले जो डिलीट सिंगल रो और रिकॉर्ड कैसे डिलीट करते हैं, मल्टीपल रो और रिकॉर्ड कैसे डिलीट करते हैं, वो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप उस वीडियो को जाकर देखें और उसके बाद फिर ये वाला वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल पे आए हैं, जो भी बंदे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। तो मल्टीपल डिलीट स्टेटमेंट रन कराने के लिए आपको सिंटेक्स जानना ज़रूरी होता है, तो उसका सिंटेक्स पहले हम लोग जान लेते हैं। उसका सिंटेक्स क्या होता है? तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, उसके बाद कंडीशन। जो भी सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड का जो सिंटेक्स होता है, वही मल्टीपल डिलीट स्टेटमेंट का भी सिंटेक्स होता है कि एक डिलीट स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिखेंगे और इसी को बार बार रन कराएंगे। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, अगर कंडीशन के साथ आपको डिलीट करनी है तो वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो EMP123 एक टेबल है जिसमें हम लोग डिलीट करेंगे। ओके, तो ये मेरे डेटाबेस में EMP123 टेबल क्रिएट है, उसके अंदर कुछ डेटा है, उसी में हम लोग डिलीट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट मैंने बनाया है, डिलीट फ्रॉम EMP123 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7658। 7658 वाला जो भी एम्प्लॉय नंबर होगा उसका डिलीट डेटा होना चाहिए, उसका सिंटेक्स ये है। नेक्स्ट एग्जांपल है, डिलीट फ्रॉम EMP123 वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क एंड सैलरी इज इक्वल टू 7000। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन कर सकते हैं, सैलरी इज ग्रेटर देन 5000 कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस कंडीशन को आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम EMP123 वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर एंड सैलरी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डिलीट फ्रॉम EMP123 वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्कॉट एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, डिलीट फ्रॉम EMP123 वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1500 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, ये सैलरी इज इक्वल टू 1500 एंड एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7876। सो ये इतने सारे जो डिलीट स्टेटमेंट मैंने दिया है, तो हर डिलीट स्टेटमेंट का अलग अलग काम है, अलग अलग उसमें कंडीशन लगा हुआ, तो जैसा जो भी कंडीशन लगा होगा उस हिसाब से वो डेटा पहले फेच करेगा, उसमें डेटा पहले देखेगा, उसके बाद फिर उसमें अगर डेटा उसके कंडीशन के हिसाब से मिलेगा तो वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अभी इस स्टेटमेंट को हम लोग चलते हैं एसक्यूएल डेवलपर स्क्रीन पे, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। एसक्यूएल डेवलपर स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। तो सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम EMP123 हमने किया है, तो देख सकते हैं इतने सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आए हैं, इसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब और सैलरी का कुछ डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। 14 रोज़ यहाँ पे, टोटल 14 रोज़ यहाँ पे, कैसे आप निकालेंगे रोज़, काउंट रोज़ यहाँ पे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, काउंट रोज़ 14 रोज़। ओके, तो यहाँ पे 14 रोज़ डेटा है यहाँ पे, तो इस टेबल के अंदर बहुत सारे कंडीशन हमको लगाने हैं। यहाँ पे 7658 का बंदे का एक डिलीट करना है, उसके बाद जॉब इज इक्वल टू क्लर्क एंड सैलरी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आप दे सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे दे दीजिए 3000। ओके, आप यहां पे चेंज कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन आप यहां पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे स्टेटमेंट को लिख देना है, उसके बाद सारे के सारे स्टेटमेंट को, डिलीट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने का है और उसके बाद रन स्टेटमेंट कर दीजिएगा।
तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से वो अगर मैच करेगा अपने उसका कंडीशन तो वो डिलीट होगा, अगर नहीं मैच करेगा तो वो डिलीट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ डेटा डिलीट हुए हैं, कुछ डेटा डिलीट नहीं हुए हैं। यहाँ पे जीरो रो डिलीटेड, जीरो रो डिलीटेड यहाँ पे दिख रही है, तो मतलब कि वो जो तीन यहाँ पे रन स्टेटमेंट हुई है उससे कंडीशन वो मिला नहीं, इसलिए वो जीरो रो डिलीटेड हुआ। तो आप अपने कंडीशन के हिसाब से कोई भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन आप यहाँ पे दे के डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिलीट स्टेटमेंट कैसे रन कराएंगे वो हमारा मकसद था आपको सिखाना, कि कभी भी दो या चार डिलीट करना हो दो या चार कंडीशन के साथ तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आ गई है तो पसंद आने की सूरत में क्या करना है आपको, आपको पता है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।